पेश करेगा। अंगवस्त्र के साथ मिथिला पेंटिंग भी माननीय सांसद महोदय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए, विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग जिसमें मां सीता को चित्रित किया गया है। इसके बाद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद माता सीता की मूर्ति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा अपना आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद। दरभंगा के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी माननीय प्रधानमंत्री जी को बांस की सीकी से बना गया चित्र भेंट करेंगे। मिथिला की सीकी आर्ट आज पूरी दुनिया में मशहूर है और माननीय प्रधानमंत्री देश की इस विरासत को दुनिया के हर कोने तक अपनी यात्राओं में ले जाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। और अब इन गौरवशाली पलों में दरभंगा जिले के परम आदरणीय सांसद एवं विधायक मखाना की माला प्रधानमंत्री जी को पहनाएंगे। मखाना जिसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान माना जाता है, कहते हैं मिथिला देश का लगभग 90% मखाना पैदा करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की श्रेणी में भी शामिल किया है। मखाना भारत की पहचान पूरे विश्व में और मिथिला पूरी दुनिया में मखाना की इस पैदावार के लिए जाना जाता है। अथाह श्रद्धा असीम निष्ठा का मानो समंदर आज इस पावन धरती पर उमड़ आया हो। हर कोई श्रद्धानत है, हर कोई प्रयासरत है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के एक झलक पाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री महोदय। भारत एवं बिहार के पुनर्जागरण तथा नवनिर्माण के महायज्ञ में अपनी कार्यांजलि अर्पित कर रहे आप सभी गणमान्य की मंच पर पुरजोर उपस्थिति से शोभन गांव की माटी अभिभूत है, इसका कण कण गौरवान्वित है। इन्हीं अद्भुत पलों के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारे श्रीमान। हम सब लोगों के बीच विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मंच पर विराजमान सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायक विधान पार्षदगण और आज यहां मिथिलांचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, बहनों भाइयों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले हम सब मिथिला के पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हम सब हृदय से स्वागत और अभिनंदन करै छी। एहि ठाम उपस्थित सब मिथिलावासी से हम आग्रह करै छी कि सब गोटा खड़ा होके थपड़ी बजा के अपना प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के हम सब स्वागत अभिनंदन करूं। मैं आग्रह करूंगा सभी लोग खड़े होके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हम सब लोगों के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही विशेष अवसर है जब आज इस मिथिलांचल को, दरभंगा को और उत्तर बिहार को हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस मिथिलांचल को ये दरभंगा के अंदर एम्स देने का उपहार दिया है। यह बहुत ही विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। पहले पूरे देश में केवल दो एम्स होता था, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा उपहार दिया मिथिलांचल को कि अब बिहार में ही दो एम्स हो गया। पहले पूरे देश में था, अब बिहार में दो एम्स हो गया, पटना में एम्स और दरभंगा में एम्स। हम सब लोग
अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति संपूर्ण मिथिलांचलवासी, उत्तर बिहार के लोग, दरभंगा के लोग उनका हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, उनके निर्देश पर हम सब लोगों ने ये जमीन जहां हम सब लोग उपस्थित हैं इस एम्स के निर्माण के लिए भारत की सरकार को देने का काम किया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले मार्च के महीने में लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत से वो हॉस्पिटल बन रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार के सहयोग से वो कैंसर हॉस्पिटल अगले मार्च के महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और हम सब लोग इस बात की जरूर इच्छा रखेंगे कि आपके और मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में उसका भी लोकार्पण जनता के लिए हो। साथ ही एक विशेष विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी आज से 22-23 दिन पूर्व वाराणसी में आपने वहां संकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर वहां के प्रबंधन के लोगों से सार्वजनिक रूप से यह आग्रह किया था कि संकरा आई हॉस्पिटल का एक शाखा बिहार में भी खुले, और मुझे बताते हुए इस बात की प्रसन्नता हो रही है इस जनसमूह में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने जो संकरा आई फाउंडेशन से आग्रह किया था बिहार के लिए आज से 22 दिन पहले, संकरा आई फाउंडेशन ने उसे स्वीकार कर लिया है और आपके कारण वो संकरा आई हॉस्पिटल की शाखा बिहार में खुलने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति भी दे दी है और एक बड़ा आंख का हम लोगों का नया अस्पताल जो बना हुआ है, वो अस्पताल हम सब लोग बहुत शीघ्र संकरा आई फाउंडेशन को देने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण ये एक बड़ा उपहार बिहार को संकरा आई हॉस्पिटल के रूप में भी मिला है। और आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, विकास की तेज रफ्तार है, क्योंकि एनडीए की सरकार है। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार का बहुत बहुत आभार। अब मैं बिहार के सर्वजनप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने विचार जनमानस के साथ साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सांसद राज्यसभा और जनता दल यू के नेता श्री संजय कुमार झा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब जो आज उपस्थित हैं श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री
जी की उपस्थिति में, श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आप भारी संख्या में उपस्थित हैं। मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप सब लोग यहां पर आदरणीय मोदी जी को देखने के लिए और उनकी बात को सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आप जानते ही हैं हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और हम तो जाकर के उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए दूसरी जगह। ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहां पर बनेगा, हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे। और एक बार तो हम 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी पटना आए थे, यहां पर बहुत लोग हैं जो सब लोग शामिल थे, तो पटना में जब आए थे वो तो उस समय भी उनको हमने 2019 में कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाइए और अच्छा होगा कि यहां जो दरभंगा का हो तो दरभंगा में जो एम्स है तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्वीकार कर लीजिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन बाद में उसके स्वीकार में थोड़ा सा दिक्कत कई तरह से हो रहा था, तो अंत में ये हो गया कि भाई ठीक है तो यहां पर बनेगा। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कहा कि भाई वहां नहीं बन रहा है तो कोई जगह पर बनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास तो ये बनना उचित नहीं होगा। लेकिन जब यहां के डीएम वगैरह ने देखा कि कौन सी जगह है तो आज जो आप यहां पर आए हैं यही जगह डीएम ने चुना पिछली बार। आप पिछली बार हम आ करके वही जब बोले तो देखे तो हमने कहा कि नहीं है, बहुत अच्छा है, इसके लिए आने का जो रास्ता है इसको और चौड़ीकरण किया जाएगा और ये बनेगा, इसका थोड़ा विस्तार करके और सब जगह इसको रास्ता के लिए किया जाएगा और ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से दरभंगा का बहुत विस्तार होगा, जितना दूर दरभंगा है उसका और ज्यादा विस्तार हो जाएगा, ये जगह है। तो उसी समय अनुरोध किया गया और सीधे सरकार ने इसी चीज को देखते हुए मान लिया कि यही होना चाहिए और इसी के लिए इसी स्थल पर जो था
आ रहे हैं और अब आकर के इसकी शुरुआत हो जा रहा है, तो जितना सब जगह भी होगा तो हम लोगों ने तो ये भी कर दिया कि यहाँ पर बन रहा है। और एक बात आपको और कह देते हैं कि जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें तो चूंकि संभव ये नहीं था, अलग इसका जगह होना चाहिए था, ये बनाया है। और इसमें तो आपको बताया कि दरभंगा का विस्तार होगा और ये बहुत अच्छा होगा और पूरे जगह से सब जगह से लोगों को आने में यहाँ पर अपने इलाज के लिए बहुत सुविधा होगी, तो बहुत अच्छी जगह है। और इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है, आज आए हैं इसके उद्घाटन के लिए, तो ये बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ उनका कि इसको आपने स्वीकार कर लिया। और एक चीज आपको हम और बता देते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बन रहा है इसको आपने स्वीकार कर लिया, ये बहुत अच्छा बनेगा। और जो मेडिकल कॉलेज है दरभंगा का, उसके बारे में हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका और विस्तार कर देंगे और 2500 लोगों के इलाज का इंतजाम करेंगे, और वो भी हम लोगों ने कर दिया। तो जो देश का हमारे बिहार का दूसरा था, पहला पटना और दूसरा वही बना, तो पटना वाले अस्पताल का भी विस्तार किया जा रहा है और इनका भी, इस हॉस्पिटल का भी विस्तार किया जा रहा है। और जब ये बंद करके चला जाएगा तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लोगों को फायदा होगा और इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। दरभंगा एम्स के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हर तरह से जो आप समझ लीजिए कि जैसा हमने कहा कि भाई पहले हम बोले भाई एम्स जो बन जाएगा यहाँ, इसके बाद साथ दीजिए कि दरभंगा शहर का और विस्तार होगा और इतना बढ़िया बनेगा, इतना अच्छा होगा कि सचमुच बहुत खुशी है। और इसीलिए हम लोगों को सबको ये खुशी है कि दरभंगा एम्स के निर्माण की स्वीकृति हो रही है। और आज आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं और ये सारी बात बता देंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे। ये हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं तो आप सब लोग हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए, हाथ उठाओ सब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको एक बात धक्का देता हूं कि जो भी राज्य सरकार को सहयोग करना है हम सब लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ उनका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। देवी और सजनों, 15 अगस्त 2024 को 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकसित भारत 2047 का स्वस्थ भारत होना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं विचारों के अनुरूप एम्स दरभंगा का आज भूमि पूजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि वो रिमोट का बटन दबाकर एम्स दरभंगा के लोगों का अनावरण करें। ₹1264 करोड़ की लागत से बनने वाला 750 बेड वाला बिहार का दूसरा एम्स जल्द ही राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः विनती है कि वो रिमोट द्वारा केंद्र सरकार की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पट्टिका अनावरण के साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 25 ऐतिहासिक प्रकल्पों का आज यहां आगाज हुआ। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतीय रेल मंत्रालय पिछले 10 सालों में अपने विशाल नेटवर्क को विस्तार देते हुए कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम लिख रहा है। इसी संकल्प सिद्धि को आगे बढ़ाते हुए झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड का आज यहां श्री गणेश होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा झंझारपुर से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, डिजिटल माध्यम से झंझारपुर लौकहा बाजार रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर विदा करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। झंझारपुर लौकहा बाजार के इस रेलखंड का निर्माण लगभग 523 करोड़ की लागत से हुआ है। इस रेलगाड़ी से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में व्यापार के साथ रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। ऐतिहासिक दिन जब लंबे इंतजार के बाद ये रेलगाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ती हुई, इसकी गूंज यहां की फिजाओं में बिखरेगी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मान्यवर। देवी और सज्जनों, आइए इन सभी विशाल परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाओं के साथ फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े ट्रांसफॉर्मेटिव कदमों से पूरे देश में विकास को अभूतपूर्व गति मिली है, जिसका बड़ा लाभ बिहार के लोगों को भी मिला है। बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। बिहार को विकसित भारत का बड़ा भागीदार बनाने की दिशा में आज का दिन अहम है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन, भूमि पूजन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। हेल्थ केयर फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी के इस मिशन का आज बिहार में और विस्तार हो रहा है, क्योंकि आज बिहार का दूसरा एम्स, दरभंगा एम्स का भूमि पूजन किया जा रहा है। दरभंगा एम्स से न सिर्फ दरभंगा बल्कि मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसे आसपास के कई जिलों की एक बड़ी आबादी के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित होगी, बल्कि इसका लाभ पूरे बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। आज लोकार्पण हो रहा है गलगलिया से बहादुरगंज एवं बहादुरगंज से अररिया खंड के 4 लेन कॉरिडोर का। ये बिहार से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच वैकल्पिक रूट प्रदान करेगा, जिससे माल ढुलाई और यात्री आवाजाही सुगम और तीव्र होगी। साथ ही देश की सामरिक शक्ति को भी बल मिलेगा। साथ ही बंधुगंज से 240 मीटर का पुल NH-19 सेमरिया एवं NH-322 बिदुपुर में आरओबी के निर्माण से लेवल क्रॉसिंग से होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, तथा छपरा से बलिया यूपी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है वो हैं रामनगर से रोसड़ा, अहमदाबाद से मनिहारी, हाजीपुर से महनार, सरवन से चकाई, कटिहार से पश्चिम बंगाल सीमा तक 2 लेन पेव शोल्डर का सड़क निर्माण, कटोरिया, लखपुरा, बांका, पंजवारा एवं रानीगंज में 2 लेन पेव शोल्डर के 5 बाईपास का निर्माण, और पहाड़पुर से बोधगया दुमुहान तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य। बिहार में बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए नव आमान परिवर्तित झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड, नव दोहरीकृत हरिनगर भैरवगंज एवं कुमारबाग चनपटिया साठी रेल लाइन, कुरौता पतनेर मनकठा सरफेस ट्रायंगल, बख्तियारपुर फ्लाईओवर एवं दरभंगा बाईपास लाइन का लोकार्पण एवं चिरैला पौथु से बगहा बिशुनपुर तक सोन नगर बाईपास का शिलान्यास किया जा रहा है।
साथ ही नव आमान परिवर्तित झंझारपुर लौकहा बाजार रेलखंड पर ट्रेन सेवा का शुभारंभ एवं देश भर में 18 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से आवाजाही सुगम और तेज होगी, जिससे यहाँ के किसानों की उपज और स्थानीय उद्यमों के उत्पादों को नए बाजारों तक पहुँच बढ़ेगी। लोकल आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जुड़ी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हो रहा है, वे हैं बिटुमेन इंपोर्ट को कम करने के लिए बरौनी रिफाइनरी में 300 KTPA क्षमता का बिटुमेन प्लांट और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डबल इंजन सरकार के ऐसे ही समर्पित संकल्पबद्ध प्रयासों से बिहार राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता देता रहेगा। वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। देवियों सज्जनों, अब समय है उस उद्बोधन का जिसे सुनने के लिए हर देशवासी ही नहीं बल्कि दुनिया का हर अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रतीक्षारत रहता है। परमादरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह कि वो अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान धान पान मखान ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी जी, दरभंगा के सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, मिथिला के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रणाम। साथियों, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खासतौर पर महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया वो अद्भुत है। साथियों, आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, गरीब और सामान्य परिवारों से निकले हैं, इसलिए घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है, हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं।
और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है, दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है, तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले, हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना, और हमारा पांचवा फोकस